हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आवर लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज हाजिर हुआ हूँ एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। मैंने एक वीडियो डाला था ड्यूटी ऑन ए लॉकडाउन डे। उस वीडियो में कुछ कमेंट ऐसे आए थे कि आप कैसे इस प्रोफेशन में आए हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्या है, वो कौन कौन से ट्रेड्स है जिसको लेकर पढ़ाई करने से इस जॉब में आने में सुविधा मिलेगा। तो उसी के बेस में ये वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप सभी के लिए ये वीडियो बनाए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बता देते हैं। आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया के बाद इंडियन रेलवे इज द फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। दोस्तों, पूरे देश भर में ऑन एन एवरेज 20,000 ट्रेन हर दिन चलती है, और द पर्सन हु ड्राइव द ट्रेन इज कॉल्ड ए लोको पायलट। डायरेक्ट लोको पायलट आप बन नहीं सकते। लोको पायलट की इस जॉब में आपको आने के लिए एज एन असिस्टेंट लोको पायलट सबसे पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। रेलवे कॉन्डक्ट्स द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। अब बात करते हैं दोस्तों इसके करियर ग्रोथ के बारे में। सबसे पहले आप असिस्टेंट लोको पायलट के हिसाब से ज्वाइन कीजिएगा। 2-4 साल बाद आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनिएगा। उसके बाद लोको पायलट सेंटर, लोको पायलट गुड्स, पैसेंजर ड्राइवर, मेल एक्सप्रेस ड्राइवर, ऐसे करके आप बनिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप जब लोको पायलट गुड्स में रहिएगा, 5 लाख किलोमीटर रन करने के बाद या फिर 10 साल एज एन लोको पायलट रहने के बाद आप चाहे तो CLI पोस्ट के लिए, जो कि चीफ लोको इंस्पेक्टर पोस्ट होता है, उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा स्कोप रहता है। इन सब पोस्ट में जाने के लिए पहले नियम थोड़ा हल्का था। पहले 75,000 किलोमीटर रन था एज एन लोको पायलट गुड्स। आप 75,000 किलोमीटर जब रन कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाइएगा CLI पोस्ट में भरने के लिए। लेकिन अभी जो है ये नया रूल है, ध्यान दीजिएगा, 5 लाख किलोमीटर और 10 साल एज एन लोको पायलट आपको रन करना होगा। दोनों में से पहले जो होगा उसी के बेसिस में आप CLI पोस्ट के लिए भर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, बहुत आदमी के मन में ये कन्फ्यूशन रहता है, लोको पायलट की एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहना चाहिए, वो कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे कि आप इस लोको पायलट एग्ज़ाम में बैठ सकें। तो आइए आपके ये कन्फ्यूशन मैं दूर करता हूँ। पहले मैं आप लोग को ये जानकारी दे दूँ कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल कोर्स करने वाले ही ये लोको पायलट जॉब के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप प्लेन ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे कि BA हो गया, MA हो गया, BSc, BCom, कुछ भी आप करते हैं, प्लेन ग्रेजुएशन करते हैं, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। इस जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन प्लस 12th के बाद ITI होना बहुत ही ज़रूरी है। और जहाँ से आप ITI कीजिएगा, वो NCVT या फिर SCVT सर्टिफाइड होना चाहिए, या फिर आप डिप्लोमा या BTech भी करके जिस जॉब में आ सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा और BTech भी कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं, उसी में आपको करना होगा। तो दोस्तों, अभी बात करेंगे हम लोग ट्रेड्स के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से ट्रेड्स हैं जिसको लेकर पढ़ाई करने से आप लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल रहेंगे। दोस्तों, ITI ट्रेड्स में आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक रेडियो एंड TV, टर्नर, वेयरमैन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक। और भी कुछ ट्रेड्स है, जैसे कि वेल्डर हो गया, और भी बहुत सारा है। उसमें से अगर आप ITI कीजिएगा तो आप एलिजिबल नहीं रहिएगा। इसी जितना सारा ITI के ट्रेड्स हम बताए, यही ट्रेड से आप ITI कीजिएगा तभी आप एलिजिबल रहिएगा इस जॉब के लिए। और डिप्लोमा और BTech के लिए भी कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ट्रेड्स, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया। अगर आप कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, इसको लेकर आप डिप्लोमा और BTech कीजिएगा तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दिस जॉब। ये बात बहुत ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इस जॉब में आने के लिए आपको जो जो ट्रेड्स मैंने बताएं, वही सारा ट्रेड्स में से
आपको कुछ एक चुनना पड़ेगा। एज लिमिट की बात किया जाए तो आप 18 साल से 28 साल तक इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और भी थोड़ा एज रिलैक्सेशन थोड़ा है, वो भी एससी एसटी और भी कास्ट के लिए, लेकिन इन जनरल आप मिनिमम 18 साल उम्र होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल तक आप इस जॉब के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब आते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीड्योर में। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, 120 नंबर का रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, टेक्निकल वाइज क्वेश्चन आया था। उसमें से पास करने के बाद मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिटर्न में जितना वैकेंसी है उससे 4-5 गुना ज़्यादा पास करवाया जाता है, जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में छांट दिया जाता है। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तब 5:1 रेशियो में साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। इसका मतलब यही है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में हर 5 आदमी में से 1 आदमी को लिया जाएगा, 4 आदमी को छांट दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बात कोई नहीं बताएगा दोस्तों, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। बहुत लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। तो अभी जो है थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। अभी CBT 1, CBT 2 दो एग्ज़ाम होता है, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। CBT 1 जो टेस्ट है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। तो CBT 1 में 75 नंबर का क्वेश्चन आता है, टाइम रहता है 1 घंटा, और CBT 2 में 2 पार्ट रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 100 नंबर का क्वेश्चन आता है और 90 मिनट टाइम दिया जाता है, यानी कि 1.5 घंटा, और पार्ट बी में 75 नंबर का क्वेश्चन रहता है, टाइम रहता है 1 घंटा, यानी कि कुल मिला के पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिला के आपको टोटल 2.5 घंटे, 2 घंटा 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ये हो गया CBT 2। और CBT 2 में जब आप पास कीजिएगा उसके बाद आपको बुलाया जाएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में एक बात बता दूँ दोस्तों कि ये जो टेस्ट है ये कुछ खास ऐसा टेस्ट नहीं है, लेकिन बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा आंसर आपको देना पड़ता है। मैंने जब साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया था तो 4 मिनट में मैंने 75 आंसर दिया था, 4 मिनट में 75, 6 मिनट में 96 आंसर देना पड़ा था मुझे। साइकोलॉजिकल टेस्ट ऐसा ही है, कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत कम समय में ज़्यादा करना पड़ता है, इसी में मैक्सिमम छट जाता है। पर अगर आप CBT 2 पास करते हैं तो जानबूझकर आपको ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा, आपको 1 महीना के अंदर अंदर आपको बुलाया जाएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। क्योंकि अगर आप साल भर से साइकोलॉजिकल टेस्ट करते रहें तो आपका ऐसे ही स्पीड बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर आप CBT 2 पास करते हैं तो आपको जल्दी बुलाया जाएगा। 25-30 दिन के अंदर मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया था 2012 में। मेरा सजेशन यही है कि जब आप लोग CBT 1, CBT 2 का प्रिपरेशन लीजिएगा तो साइकोलॉजिकल टेस्ट का भी थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करते रहिएगा। अब CBT 1 में जो 75 नंबर का क्वेश्चन आता है वो कहाँ कहाँ से आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आता है, CBT 2 में जो क्वेश्चन आता है वो कौन कौन से सब्जेक्ट से आता है, कौन कौन से चैप्टर से आता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, अगर इस वीडियो से मुझे रिस्पॉन्स मिला तो मैं उसके बारे में भी एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा कि CBT 1 और CBT 2 में नेगेटिव मार्किंग भी रहता है 1/3। अब 1/3 का मतलब है कि तीनों आंसर गलत करने से आपका 1 नंबर कट जाएगा। कई कई लोगों का ये गलत फहमी रहता है कि 3 आंसर गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, चलो सब कर देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 अगर आंसर गलत कीजिएगा तो आपका 3 नंबर तो कटेगा, ऊपर से बोनस 1 नंबर कटेगा। इसका मतलब है टोटल 3 आंसर करने से आपको 4 नंबर कट जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। रिटर्न टेस्ट पूरा क्लियर करने के बाद आपको दोस्तों बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपके पास जाएगा घर में कॉल लेटर मेडिकल एग्जाम के लिए। जिस दिन आपको बुलाया जाएगा उसी दिन आपको उसी हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना पड़ेगा। पूरा मेडिकल जांच की प्रोसेस होने में 2-4 दिन समय लग जाता है, क्योंकि और भी सारे कैंडिडेट्स रहते हैं, बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं दोस्तों इस मेडिकल टेस्ट में। एक बात बता दूँ दोस्तों, ये जो जॉब है ये दूसरे जॉब से बहुत अलग है। इसमें आपको वेल डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। दोस्तों आप जब किसी इंजन में चार्ज लीजिएगा, चाहे वो मालगाड़ी हो या पैसेंजर ट्रेन,
आपके ऊपर लाखों टॉन्स माल की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। आप अगर पैसेंजर ट्रेन में चार्ज लीजिएगा तो हजारों पैसेंजर, वो बच्चे से बुढ़े तक, हजारों पैसेंजर की जान की जिम्मेदारी आपकी। ये आपकी ड्यूटी है कि उन यात्रियों को या फिर उन गुड्स को आपको सही सलामत उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। इस जॉब में आपको प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम में जाना पड़ेगा। ये वैसा जॉब नहीं है दोस्तों कि आपका 10 बजे ड्यूटी है, आप 10:30 बजे गए, 10:40 में गए, चल जाएगा। लेकिन इस जॉब में नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए आपका गाड़ी सुबह 9 बजे डिपार्चर टाइम है और अगर आप 9 ही बजे गए तो नहीं चलेगा। 45 मिनट पहले ऑन ड्यूटी होता है, आपको कौशन मिलेगा, उस कौशन में आपको सब नोट करना पड़ेगा। जिस सेक्शन में आप गाड़ी लेकर जाइएगा उस स्टेशन में कौन से सेक्शन में कितना स्पीड में गाड़ी चलेगा, ये सब आपको देखना पड़ेगा, CTR लेना पड़ेगा, और भी बहुत सारा काम होता है। जितना बजे आपको ऑन ड्यूटी दिया जाएगा दोस्तों, वही टाइम में आपको जाना पड़ेगा। अगर रात को 2 बजे आपका गाड़ी का डिपार्चर है और आप सही समय में ऑन ड्यूटी नहीं किए तो वो गाड़ी पिट जाएगा, आपके चलते आपके पीछे जो गाड़ी है वो भी पिट जाएगा। मान लीजिए आपके पीछे राजधानी है और आप समय पे नहीं आए, तब क्रू कंट्रोल को दूसरा ड्राइवर, दूसरा असिस्टेंट बुक करना पड़ेगा आपके जगह पे, तब वो गाड़ी डिटेन होगा, तब आपके चलते दूसरा आपके पीछे जो गाड़ी है वो भी डिटेन हो जाएगा। तो इसीलिए इस जॉब में बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगर आप उठा सकते हैं तो ही इस जॉब में आइएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं दोस्तों, इसीलिए आपके साथ इस जॉब के बारे में थोड़ा बहुत शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस जॉब में इसलिए मेडिकल टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा दोस्तों, आई टेस्ट इस जॉब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके दोनों आँखों में से हर एक आँख में 6x6 विजन होना मैंडेटरी है। ये जो जॉब है इसमें हर 4 साल बाद मेडिकल होता है। मेरा 2014 में ज्वाइनिंग हुआ था, उसके बाद 2018 में मेरा फुल टेस्ट हुआ फिर से, उसके बाद फिर 2022 में है। 4 साल बाद मेडिकल होते जाता है, और जब आपका 50 साल उम्र हो जाएगा तो हर 2 साल बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और जब आपका 55 साल हो जाएगा तब हर साल में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो अब आता है ज्वाइनिंग की बारी। पूरा चीज़ कंप्लीट होने के बाद फाइनली आपके हाथ में आएगा ज्वाइनिंग लेटर, जो कि इंडियन रेल के तरफ से आपको भेजा जाएगा। और जब वो लेटर आपके हाथ में होता है तब एक अलग ही सोच आता है दिमाग में कि इतना दिन का मेहनत के बाद फाइनली यू आर वेलकम बाय द इंडियन रेलवे फॉर दिस रिस्पेक्टफुल एंड वेल जॉब। और दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर का मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट इंजन में भेजा जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर का मतलब ये है कि आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा कि आप आइए, अपने ट्रेनिंग में ज्वाइन कीजिए, ट्रेंड होइए, उसके बाद आपको अपना अपना लॉबी में भेजा जाएगा। उसके बाद आपका LR होगा, LR का मतलब है लर्निंग होगा, जिस सेक्शन में आपको गाड़ी लेकर जाना है उस सेक्शन का पूरा लर्निंग होगा। उसके बाद आपको एज एन ALP इंडिविजुअल चार्ज दिया जाएगा। दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर में कैसे ट्रेनिंग होता है, क्या क्या ट्रेनिंग होता है, कहाँ कहाँ मेरा ट्रेनिंग हुआ, क्या क्या पढ़ाया गया, उसके बाद कहाँ पोस्टिंग हुआ, कैसे हुआ, अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो मैं वो सारे चीज़ को लेकर भी और भी वीडियो बना दूंगा आप लोग के जानकारी के लिए। सैलरी के बारे में बताओ तो दोस्तों, जब आप ट्रेनिंग में ज्वाइन कीजिएगा तो जितना दिन आप ट्रेनिंग पीरियड में रहिएगा तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको पूरा सैलरी मिलने लगेगा। ड्यूटी शेड्यूल की बात करूँ तो दोस्तों इस जॉब में आपको कभी भी ऑन ड्यूटी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। दिन में कभी भी आपका ऑन ड्यूटी हो सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों ये मोटिवेशनल वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। और भी कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाने वाला हूँ, उसका सूचना आपको तुरंत मिल जाएगा। और आप लोग सेफ रहिए, आप लोग के फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।